वॉचिंग जॉब लर्नर। दोस्तों कल मैंने आपको जनरल साइंस में आपको कलर कॉम्प्लेक्स को डील कराया था, यानी कि कलर कॉम्प्लेक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और कलर कॉम्प्लेक्स को मैंने आपको एक ट्री के माध्यम से आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको कल मैंने कराया था। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ डील कर रहा हूँ, तो जिसे आप लोग देखें। तो पहला पर्सन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वर्ड है। वर्ड का मतलब आपको मैंने कल भी बताया था कि वर्ड का मतलब कलर यानी कि रंग होता है। आप रंग चाहे वर्ड दोनों में से कोई भी एक चीज आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका पर्सन है पहला कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वर्ड है। आपको पता है कि प्राथमिक वर्ण कितने होते हैं, तो कल मैंने बताया था आपको कि तीन होते हैं। कौन कौन? तो आर जी बी, मैंने इसका ट्रिक बताया था। आर स्टैंड्स फॉर रेड, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, और बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि आर जी बी यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू जो होते हैं वो कौन से कलर होते हैं, तो हमारे प्राथमिक कलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखने से ऑप्शन में क्या पीला हमारा प्राथमिक कलर है, नहीं है, काट देंगे। क्या दूसरा मैजेंटा हमारा प्राथमिक कलर है, नहीं है, काट देंगे। तीसरा देखेंगे नीला, आर जी बी में से आपका ये बी फॉर ब्लू नीला, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ये नीला। ठीक है, आप इसे चाहें तो इस फिगर के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि आपको एक ट्रायंगल क्या करना है, तो आपको खींचना है ट्रायंगल का एक फिगर ड्रॉ करने के बाद। मैंने आपको बताया था कि आपको टॉप में रेड रखना है और आपको लेफ्ट में रखना है आपको ग्रीन, और राइट में रखना है आपको ब्लू। तो आपको पता है ना कि ये रेड और ये ग्रीन और ये ब्लू ये तीनों के तीनों कौन सा कलर है, तो आपके प्राथमिक कलर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक कलर कौन सा, तो नीला। ठीक है, वहां पे आपका फोनर पे। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक रंग है। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी कलर है कि नहीं, यानी सेकेंडरी कलर या द्वितीयक कलर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में लाल, आपको पता है कि लाल कौन सा कलर है, तो प्राथमिक है, ये तो होगा नहीं। अगला हरा कौन सा कलर, प्राथमिक है, ये भी नहीं होगा। नीला कौन सा, ये भी प्राथमिक है, तो बच गया क्या भाई, तो पीला। जी हाँ पीला, तो पीला बनता कैसे है, तो आपको पता है कि आपको जब इस फिगर आपके माइंड में रहेगा ये सेट हो जाएगा, तो आपको पता है कि टॉप पे रखा जाता है आपको रेड और उसके नीचे रखा जाता है ग्रीन यानी कि लेफ्ट साइड में। तो जब हम रेड को और ग्रीन को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, तो येल्लो है कि नहीं। चलो हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि लाल और हरा के मिलने से निम्न में से कौन सा रंग बनेगा। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि दो प्राइमरी कलर मिल रहा है जिसमें कि उसका नाम क्या है, एक आपका ग्रीन है और एक आपका क्या है, तो रेड है। जब दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, तो यहाँ पे आप देखिए इसको फिगर से, रेड और ग्रीन है ना, जब रेड ग्रीन को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है, तो येल्लो बनता है, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल और हरा के मिलने से कौन सा कलर बनेगा, तो येलो। तो नीला तो आपको होगा नहीं, पीला आपका absolutely right है, मैजेंटा आपका नहीं होगा, गलत है, और ये भी आपका क्योंकि अगर आपको देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे तो आपको पिक्चर को अपने माइंड में जरूर सेट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरा प्लस नीला के मिलने से निम्न में से कौन सा रंग बनेगा, जब हम हरा और नीला को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे हरा है और ये क्या है आपका नीला, जब हरा और नीला आपस में मिलता है तो पीवी बनता है, यानी कि पीवी का मतलब होता है पीकॉक ब्लू। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो लाल सॉरी हरा और नीला के मिलने से कौन सा कलर बनेगा, तो यहाँ पे क्या लाल बनेगा, गलत, पीकॉक नीला, बिल्कुल पीकॉक नीला ही बनेगा, पीला नहीं बनेगा, मैजेंटा नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट वन है, देखते हैं लाल प्लस नीला के मिलने से निम्न में से कौन सा रंग बनेगा। लाल और नीला, देखिए यहाँ पे आपको फिर फिगर में लाल और नीला, ये आपका टॉप पे रेड रहा और नीचे आपका राइट साइड में ब्लू यानी कि नीला रहा, जब दोनों को मिला देंगे तो एम फोर क्या, तो आपका मैजेंटा बनेगा, यानी कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो मैजेंटा, मैजेंटा आपका पहला में दिया, ये आपका सही है, बाकी सब गलत। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स, बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक पूरक या संपूरक रंग है। आपको पता होना चाहिए कि चाहे पूरक बोले या फिर संपूरक यानी कंप्लीमेंट्री कलर है कि नहीं, उसके बारे में बात हो रही है। तो आप पूरक भी बोल सकते हैं, संपूरक भी बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो एक कलर है वो क्या है, या तो पूरक है या फिर संपूरक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाल, लाल तो है आपका कौन सा कलर, तो प्राइमरी है, ये तो होगा नहीं। पीला, पीला आपको पता है कि कौन सा कलर है, तो आपके ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कलर है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे बचा क्या, तो आपका सफेद और काला है। अब तीनों में से क्या होगा, इसको हम समझते हैं। आपको पहले से पता है कि अगर किसी भी कलर यानी कि प्राइमरी कलर की अगर बारे में बात हो रही है और तीनों जब प्राइमरी कलर को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो कौन सा कलर बनता है, तो श्वेत। कल मैंने आपको बताया था श्वेत या फिर सफेद कलर, या फिर किसी भी द्वितीयक कलर में यानी कि सेकेंडरी कलर में अगर हम प्राइमरी कलर को अगर मैच करा देते हैं यानी कि उसको मिला देते हैं तो तब भी आपका कौन सा कलर का निर्माण होता है, तो आपका सफेद यानी कि व्हाइट कलर। तो यहाँ पर आपका बात हो रहा है कि निम्न में से कौन सा पूरक या संपूरक है, तो पूरक या संपूरक जो कलर है वो केवल एक ही कलर है, वो कौन सा कलर है, तो श्वेत यानी कि सफेद।
तो ये आपका सी इज द राइट आंसर, ये आपका काला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ण का जन्मदाता निम्न में से कौन सा है? आपको पता है कि कलर, यानी हु इज द फादर ऑफ कलर, कल मैंने आपको बताया था, है कि नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका हॉकिंस तो नहीं होगा, हॉफमैन भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? तो शालीमार। कल मैंने आपको इससे रिलेटेड एक चीज भी बताया था, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है? तो शालीमार आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लाल प्लस पिकॉक नीला के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा? लाल और पिकॉक नीला, आप देख लीजिए, ये रेड है और ये पिकॉक नीला है ना। जब रेड आपको तो पता है कि प्राइमरी कलर है, और पिकॉक नीला क्या है? तो आपको एक सेकेंडरी कलर है। जब आपको प्राइमरी कलर को जब सेकेंडरी कलर से जब हम मैच कराते हैं, तो यहाँ पे आपका एक ही कलर बनेगा, वो क्या बनेगा? तो व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो व्हाइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लाल और पिकॉक नीला को मिलाने से क्या बनता है? तो आपका व्हाइट। डी आपका सही है, बाकी सब आपका रॉन्ग है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हरा प्लस मेंजेटा के मिलने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? हरा प्लस मेंजेटा, देखेंगे यहाँ पे, ये आपका हरा है और ये आपका मेंजेटा है। आपको पता है कि हरा जो है आपका एक प्राइमरी कलर है, जबकि मेंजेटा जो है आपका कौन सा कलर है? तो मेंजेटा जो है आपका एक द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कलर। और आपको पता है कि जब R प्लस B प्लस G करते हैं तो क्या बनता है? व्हाइट। और आपको पता है कि मेंजेटा जो कलर है, इसमें आपका ऑलरेडी दो प्राइमरी कलर आपका क्या है, इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन है? तो रेड प्लस ब्लू ऑलरेडी इसमें है ना, तो रेड और ब्लू तो है, वो क्या बच गया? ग्रीन। जब ये तीनों मिल गया तो क्या बन जाएगा? व्हाइट, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? पीला तो नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नीला प्लस पीला के मिलने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये नीला जो कि आपका एक प्राइमरी कलर है, और यहाँ पे ये जो आपका है वाई यानी कि येलो यानी कि पीला जो कि आपका एक द्वितीय कलर है। आपको पता है कि प्राइमरी कलर को जब द्वितीय कलर से मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? तो व्हाइट बनता है। यहाँ पे आपको पता है कि येलो में जो है ऑलरेडी रेड प्लस ग्रीन है ना, है कि नहीं? क्योंकि रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनता है? येलो, यानी कि येलो में ये दोनों कलर पहले से ही मौजूद है। और इसमें जब हम ब्लू को मिस कर देते हैं यानी कि मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? तो व्हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मेजेंटा नहीं होगा, सफेद हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सेशन जो कलर कॉम्प्लेक्स का था वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि रोज आने वाले वीडियो के नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम कल आपको एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।